नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपका यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, कल शाम मेरे पास कई सारे मैसेजेस आए, कई सारे डिमांड्स आए कि भैया एनओएस का कोई अपडेट आया, कोई इसके एनओएस की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया। बच्चों, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन एनओएस निकालता है तो मैं सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल पर दूंगा। आप बिल्कुल भी बेफिक्र टेंशन ना लें, डिप्रेशन में तो आप हो बिल्कुल भी मत हो, क्योंकि जल्द 3 से 4-5 दिन के अंदर एनओएस एक ऐसी अच्छी खबर ला सकता है आपके लिए, जो कि आपको कहीं ना कहीं दिल में राहत देगी कि अब आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, अब आपको कहीं ना कहीं आपको प्रमोट किया जाएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ये मेरी जिम्मेदारी है और हम लोग साथ हैं, बिल्कुल साथ रहेंगे। जब तक आपका साथ रहेगा, जब तक आपका सर्टिफिकेट ना मिल जाए, मैं आपको पहले से ही कहता आ रहा हूँ, बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें। कई सारे मैसेजेस आते हैं, एक पुनीत कुमार जी है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, भैया कुछ करेंगे, कुछ करवाइए। भैया जी, बिल्कुल होगा, कुछ दिनों के अंदर अब एनओएस आपका आपको नोटिफिकेशन जारी कर देगी कि आप बच्चे प्रमोट हो गए या नहीं हो गए। बिल्कुल जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपके हित में ही फैसला आएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। वो जो फैसला आने वाला है थोड़ा लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि एनओएस के जो कुछ जो 3-4 जो ऑफिसर्स है, जो बड़े बड़े एजुकेशन के में जो काम करते हैं, अब उन्होंने क्या कर लिया, एक बैठक कर ली है। अब वो बैठक करने के बाद क्या होगा वो आपके लिए सोचा जा रहा है। ऐसे आपको पता होगा यूजीसी का जो गाइडलाइंस आने वाला था 1 तारीख को ही आने वाला था, लेकिन आपको पता है कि 5 से 6 दिन लेट हो गए गाइडलाइंस आने में। क्यों? क्योंकि पहले कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसके बारे में सोचा जाता है, बिना सोचे कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी होती, आप इस बात को समझिएगा। ये नहीं कि आया उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया, पहले सोचना पड़ता है। यदि बच्चों को प्रमोट किया जाएगा तो किस बेसिस के आधार पे किया जाएगा बच्चों को प्रमोट, पहले एनआईएस वालों को खुद सोचना होगा कि ऐसे एनआईएस में आपको पता है कई सारे बच्चे हैं जो ऑन डिमांड के बच्चे होते हैं, जो रेगुलर बच्चे होते हैं, जो पब्लिक वाले बच्चे होते हैं जो ओपन स्कूलिंग से करते हैं, ऑन डिमांड वाले बच्चों का तो कोई असाइनमेंट होता नहीं है, तो उन्हें कैसे प्रमोट किया जाएगा। तो कई सारे विवाद होते हैं कि उन्हें प्रमोट कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए आपको टाइम लगता है, आपको टाइम देना पड़ेगा। कुछ दिन का टाइम दीजिए, आपके सामने एक अच्छी नोटिफिकेशन आएगी, आप इस बात को टेंशन में ना ले। कई सारे कॉल्स और मैसेजेस आते हैं, बच्चे कहते हैं हम प्रमोट होंगे या नहीं होंगे, हमें काफ़ी टेंशन हो रही है। तो बच्चों, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, आपका जो भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर मिलेगा। और जो भी अच्छा ही नोटिफिकेशन आएगा, मैं आशा करता हूँ कि हमारी जो मांग है हम जीत रहे हैं। आपको पता होगा कल ट्विटर पे ट्रेंड किया है एनआईएस का मुद्दा, जस्टिस फॉर एनआईएस स्टूडेंट्स। देखो कितनी बड़ी बात है, ट्विटर पे ट्रेंड कर गया जस्टिस फॉर एनआईएस स्टूडेंट्स। स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा, कोई फेक न्यूज नहीं है। और इसके साथ ही साथ ये वाला मुद्दा तो ट्रेंड किया ही किया, एनआईएस स्टूडेंट्स का मुद्दा, उसके साथ साथ एग्जाम को लेकर भी ट्रेंड किया, कैंसिलेशन फॉर ऑल फाइनल ईयर एग्जाम, यानी कि यूजीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला था फाइनल ईयर्स के बच्चों का, वो एग्ज़ाम भी ना लिया जाए। देखो ट्विटर पे कल गर्मा गर्मी हुई, बहुत ही ज़्यादा बहस हुई ट्विटर पे कि बच्चों को एग्ज़ाम देने के हालात में नहीं है। आपको पता होगा कल रात की न्यूज़ है, ब्राज़ील के राष्ट्रपति को, नाम सुना होगा शायद ब्राज़ील का, इंडिया से बड़ा कंट्री है, एरिया के हिसाब से इंडिया से बड़ा कंट्री है, 5वें नंबर पर आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील के राष्ट्रपति कोरोना से संक्रमित हो गए, सोच लो यार कितनी बड़ी बात है, राष्ट्रपति जब कोरोना से संक्रमित हो सकता है, प्रेसिडेंट, आप समझ सकते हो प्रेसिडेंट के पीछे कितनी सेफ्टी होती है, कितने सारे सेफ गार्ड होते हैं उनके लिए, कि तो हॉस्पिटल से चलो उनके लिए तो बच जाएंगे वो आराम से, बड़े बड़े डॉक्टर आ जाएंगे उनके लिए, लेकिन आम जनता, आम बच्चा यदि कोरोना से संक्रमित हो गया तो उनके लिए आपको पता होगा दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल का क्या हाल है। ऐसे कई सारे हॉस्पिटल से जो कोरोना मरीज के लेने से क्या कर देते, इनकार कर देते जल्दी, पहले उनको टेस्ट करवाइए, कितने सारे टेंशन होती है फिर उस वक्त। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लिया जाए, आप लोगों की तरफ से बिल्कुल भी टेंशन ना लिया जाए। मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि जल्द ही कोई आपके पास नोटिफिकेशन, एक अच्छी नोटिफिकेशन मिलेगी, और जो भी मिलेगी आपको बढ़िया ही नोटिफिकेशन मिलेगी। देखो ट्विटर पे हम आज से क्या करेंगे, कैंपेनिंग चलाएंगे, शाम 6 बजे से मैं डेली ट्विटर पे पोस्ट डालूंगा, आप उसको रीट्वीट जितना हो सके कीजिएगा। मैं HRD मिनिस्टर से गुहार लगाऊंगा कि NIS वाले बच्चों का जल्दी फैसला लिया जाए, काफ़ी टाइम हो गया NIS वाले बच्चों का, CBSE का एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है 15 जुलाई को, लेकिन अभी तक NIS के रिगार्डिंग कोई फैसला नहीं लिया जाएगा तो बच्चे दिक्कत में आ जाएंगे। कब फैसला लिया जाएगा, कब उनका रिजल्ट आएगा, कब वो एडमिशन लेंगे, सबसे बड़ी बात है उन्हें अगले सेशन में एडमिशन लेना है। तो मैं डेली ट्विटर पे पोस्ट डालूंगा। देखो बच्चों, बार बार कह रहे ट्विटर ऑप्शन है, एक बहुत बड़ा ऑप्शन है ट्विटर, आप इस बात को छोटा में मत लेना कि ट्विटर पे डेली जो भी हमारी बात पहुंचती है डायरेक्ट गवर्नमेंट तक पहुंचती है, आप इस बात को समझ लेना मेरी बात। ट्विटर पे मैं डेली पोस्ट डालूंगा, आप शाम 6 बजे, आज से डेली मैं पोस्ट डालूंगा, आज भी डालूंगा, कल भी डालूंगा, डेली पोस्ट डालूंगा शाम 6 बजे, उसे रीट्वीट कीजिएगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, बस रीट्वीट करना है। जिन्होंने अभी तक ट्विटर पे अकाउंट नहीं बनाया जरूर बना लेना है, ऐसे वाले बच्चे कुछ नहीं करना है, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है एप्लीकेशन, आप ट्विटर पे अकाउंट बनाए और डेली मेरे पोस्ट को शाम 6 बजे से मैं डेली पोस्ट डालूंगा, उसे रीट्वीट जरूर कीजिएगा, ठीक है।
यही था आज की वीडियो में। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कोई रिगार्डिंग, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। कोई भी नोटिफिकेशन आती है, मैं आपको कह रहा आश्वासन दिला रहा हूँ, कोई नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पर मैं देने की गारंटी लेता हूँ। लाइव आके मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा, जैसे ही आपको एक अच्छी खबर मिलेगी मैं लाइव आऊँगा अपने चैनल पर, आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा कि बच्चों आपके साथ क्या हुआ है, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। आप बिल्कुल भी इस बात को मत ले। देखो जब राष्ट्रपति को कोरोना वो देख के नहीं आता कि वो राष्ट्रपति है, वो प्रधानमंत्री है, किसी को भी कोरोना संक्रमण हो सकता है, ठीक है, आप इस बात को मान ले। कोई भी डरने वाली बात नहीं है, हम अपनी तरफ से पूरी मांग कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल शाम में कई सारे बच्चे का मैसेज आया, हम डिप्रेशन में ना आए, डिप्रेशन किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, मैं आपको पहले वाले वीडियोस में ही बता रखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है डिप्रेशन में आने से आपका, कोई गवर्नमेंट आपकी बात सुन नहीं लेगी। अभी हमें एक साथ होकर खड़ा होकर लड़ना है इस लड़ाई को, जंग को लड़ना है, और लड़ेंगे और ज़रूर जीतेंगे। हम पहले से कहते आ रहे हैं इस जंग को ज़रूर जीतेंगे, जब तक आपका साथ है जब तक कोई डरने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल भी डरने वाली कोई बात आती है तो आप कमेंट सेक्शन में, आपका हिम्मत बढ़ाने के लिए मैं हूँ। कोई दिक्कत हो तो मुझे आप डायरेक्टली इनबॉक्स कर सकते हो, कोई भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही हो आपका एडमिशन हो जाएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, सेशन आपका वेस्ट नहीं होगा, जल्द ही आपके लिए कोई नोटिफिकेशन आएगा, जल्द 3 से 4 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन या शायद कुछ ही दिनों के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर देगी NIS। आप बिल्कुल भी ना डरे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज शाम 7 बजे एक वीडियो आएगी ऑन डिमांड वालों बच्चों के लिए। कई सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ऑन डिमांड क्या होता है NIS के अंदर, तो मैं आज शाम 7 बजे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, उसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम वास्तव में क्या होता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इससे हमें काम करने की मेहनत मिलती है, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना, नए हो चैनल पे तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।